श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग। आइए एक नया दिन शुरू करते हैं। आइए इस दिन को शुरू करने के लिए बाबा से आशीर्वाद लेते हैं और नए दिन की शुरुआत करते हैं। हमारा हर दिन बाबा के आशीर्वाद से शुरू होता है, बाबा की कृपा से शुरू होता है, बाबा के नाम से शुरू होता है। और जिसकी शुरुआत ही प्रभु के नाम से होती है उसका तो फिर हर पल खूबसूरत होता है। तो सबसे पहले बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। हे देवा, आपने हमें ये नया दिन दिया, इतना प्यारा परिवार दिया, बहुत कुछ दिया, शायद हम सब कुछ याद भी नहीं रख सकते। आपकी इतनी कृपा है, आपकी इतनी दया है कि हम बताते बताते थक जाएंगे लेकिन बखान खत्म नहीं होगा। तो हे प्रभु, उस दी हुई हर चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे देवा, ऐसे ही अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखिएगा, ऐसे ही अपने भक्त की लाज रखते रहिएगा। आपने कभी भी किसी भी परिस्थिति में मुझे कभी डगमगाने नहीं दिया, हमेशा मेरा साथ दिया और हमेशा मुझे मजबूत बनाकर हर परिस्थिति के सामने खड़ा कर दिया, ताकि मैं परिस्थिति से भागूं नहीं, उससे लड़कर डटकर उसका सामना करूं, ताकि मुझे कभी किसी चीज़ का भय ना हो। वो कहते हैं ना कि प्रभु की भक्ति करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे ऊपर कभी दुख नहीं आएगा। उनकी भक्ति करने का मतलब होता है कि जब भी दुख आएगा हमें हिला नहीं पाएगा, जब भी दुख आएगा तो हमें फील नहीं होगा, हम मजबूत बन जाएंगे। वो कहते हैं ना, घर मजबूत बनाना इसका मतलब ये नहीं है कि आधी तूफान आने बंद हो जाएंगे। घर मजबूत बनाने से आधी तूफान उस घर को नहीं हिला पाएंगे। उस घर में बैठकर हम अपने आप को सुरक्षित फील करेंगे। तो बस इसीलिए भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, ताकि कभी भी लाइफ की कोई भी परिस्थिति हमें टच ना कर पाए, हमें तोड़ ना पाए। इसीलिए वह हमारी परीक्षा लेकर हमें मजबूत बनाते हैं। परीक्षाएं तो हर जगह होती है ना, स्कूल में जाओ, कॉलेज जाओ, हर जगह परीक्षा होती है। इंटरव्यू देने जाओ तब भी परीक्षा होती है। दो चार क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, क्यों? ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। तो जब हर चीज़ होनी ही है तो हम भगवान की चीज़ पर क्यों शंका करते हैं? होने देते हैं ना जो रहा है, क्योंकि वो तो सब कुछ ही अच्छा करते हैं, वो भला हमारे साथ बुरा कैसे कर सकते हैं। तो बस अपने मालिक पर भरोसा रखिए, बाकी दुनिया क्या करती है क्या कहती है इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जिसे अपने भगवान पर भरोसा होता है उसे फिर दुनिया के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए हम भी साई की लगन में मगन होकर आइए प्रार्थना करते हैं। तो आज की प्रार्थना के जो नाम हैं वो बाबा के श्री चरणों पर रखते हुए प्रार्थना शुरू करते हैं। आज की प्रार्थना के नाम हैं सहमांगिनी पात्रा जी, अरिशा रुप्रेल जी, बच्चा सोनक, मन्नत केवलानी जी, कमलेश चावला जी, बच्ची जिया, सोम बोस जी, बच्चा विरांश, संजय जायसवाल जी, शीला दास जी, कोमल देवी जी, पायल अग्रवाल जी एंड ऑल फैमिलीज। हे देवा, बाबा सब पर रहम नज़र करना, सबके घर आंगन में खुशियाँ हों, सभी स्वस्थ रहें, हेल्दी हैप्पी रहें और सबका भविष्य बहुत उज्जवल हो, सबके जीवन में आपके आशीर्वाद का प्रकाश हो, आपकी रहमत का प्रकाश हो, आपकी कृपा का प्रकाश हो। बाबा हम आपके श्री चरणों में बैठकर यही प्रार्थना करते हैं कि सबका भला करना, सब पर रहम नज़र करना, सबके घर आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, सभी की हेल्थ सदा ठीक रहे। क्योंकि कुछ लोग तो दूसरों से बताकर अपना दुख हल्का कर लेते हैं, लेकिन बाबा कुछ लोगों के पास तो दुख हल्का करने के लिए कोई है ही नहीं, ना परिवार सुनता है, ना कोई सुनता है, ना कोई साथी है। उनके साथी तुम ही बन जाओ ना। हे देवा, उनका दुख सुख बांट लो। मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, सबके पास एक ऐसा साथी हो जिससे वो अपने मन की बात को कहकर अपने आप को हल्का महसूस कर सके, और जिसके पास कोई साथी ना हो उसके साथी आप बन जाइए, क्योंकि आपसे बेहतर साथी तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता।
जो हर बात को सुनता समझता है और कभी कोई ताना नहीं देता, कभी एहसान नहीं जताता, कभी भी से दुख नहीं देता। तेरे जैसा साथी तो दुनिया में मिलना मुश्किल है, पर जिसे तुम मिल गए उसे किसी और की क्या चाह रह सकती है। तो हे प्रभु, ऐसे ही हमारे जीवन में आपका साथ बना रहे। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं सिवाय आपके साथ के। और हमें इस बात का भरोसा है कि जिस चीज़ के लिए आज हम इतने परेशान हैं, जो हमें नहीं मिल रही है, हम लाख कोशिश करके, प्रयत्न करके, कितना भी करने की कोशिश करते हैं, वो मुझे नहीं मिल रही है, वो तुम दोगे। और जिस दिन तुम दोगे ना, उस दिन मुझे कोई शिकायत ना खुद से होगी ना तुमसे। तो बस मुझे उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन आप हमें वो चीज़ देंगे। तब तक आपका ये दास, आपका ये भक्त सबूरी रखने के लिए सक्षम है। बस ज़्यादा देर नहीं करना प्रभु, सबूरी का बांध टूट ना जाए उससे पहले ही कृपा कर देना। आपके भक्त की, आपके श्री चरणों में ये विनम्र प्रार्थना है मेरे मालिक, रहम नज़र करना। तो आज जिनके भी हमने प्रार्थना में नाम लिए हैं, उनमें कुछ फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ अच्छी नहीं है और बच्चे का एग्ज़ाम है, और जिनकी भी सेहत से संबंधी परेशानी है, बाबा से प्रार्थना करना आप सभी लोग मेरे साथ मिलकर कि बाबा इनकी सेहत अच्छी हो जाए। साई मांगनी जी की हेल्थ इशू है, बाबा कृपा करें। अरुषा जी पर बाबा कृपा करें, बच्चे सोनक का एग्ज़ाम है तो बाबा बच्चे सोनक के साथ साथ रहें और बहुत ही अच्छी परीक्षा में सफल हो, वो बाबा की कृपा बनी रहे। मन्नत के वलानी जी की हेल्थ इशू है, कमलेश जी की हेल्थ इशू है, बाबा कृपा करना सभी पर। और सोमबोस जी की हेल्थ इशू है, बच्चे विरांश पर कृपा करना, बाबा रहम नज़र करना। संजय जायसवाल जी पर कृपा करना ताकि वो जिस समस्या से गुजर रहे हैं, बाबा उस समस्या का समाधान होकर वो बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे हो जाएं। कोमल देवी जी पर कृपा करना, देवा पायल अग्रवाल जी पर रहम नज़र करना, सभी पर कृपा करना। और अब हम चलते हैं जिनका जन्मदिन है। तो जिया बच्चे का बर्थडे है आज, बच्चे जिया को, उनके माता पिता को, पूरे परिवार को बच्चे के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्चे लाइफ में बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, माता पिता और अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करे। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि बच्चे की लाइफ बहुत 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 खुशियों से भरपूर हो। उसके बाद शीला दास जी का बर्थडे है, शीला जी हैप्पी बर्थडे। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, बाबा की कृपा आप पर सदा बरसती रहे, आपका परिवार सदा खुशियों में रहे, रहमत बाबा की सदैव आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। हम श्री साईं चरणों में ही प्रार्थना करते हैं कि आप सदा सुखी रहें। और आदर्श जी का जन्मदिन है, आदर्श जी आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, बाबा की कृपा आप पर भी सदैव बनी रहे, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका हर पल खूबसूरत हो, मालिक की कृपा से आप हमेशा खुश रहो, हेल्दी रहो और हैप्पी रहो, आपका हर सपना जल्द से जल्दी पूरा हो। और कल 1 अप्रैल को अनिर्बेन विश्वास जी का बर्थडे था, हम उन्हें विश नहीं कर पाए थे, तो आज आप सभी उनके लिए प्रार्थना करना कि बाबा अनिर्बेन जी की लाइफ में हमेशा बाबा की कृपा बनी रहे और सदा लाइफ में खुशियों का, खुशियों की बौछार होती रहे, खुशियों से बाबा इनका घर आंगन भरा रहे। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि अनिर्बेन जी पर कृपा करना, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, साईनाथ इनका हर पल बेहद खूबसूरत बनाकर रखें और ज़िंदगी में हर सपना पूरा हो, लाइफ में बहुत तरक्की करें। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। तो और साईं श्री दास जी पर बाबा कृपा करना, उनका भी पिछले दिनों में जन्मदिन था, हम उन्हें विश नहीं कर पाए थे। साईं श्री दास जी पर कृपा करना, रहम नज़र करना, उनके भी हर सपने को पूरा करना, उनकी ज़िंदगी में हर पल बेहद खूबसूरत हो, बाबा सदा स्वस्थ रहें, हेल्दी हैप्पी रहें, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलकर 11 वचनों का पाठ करके आज के दिन की शुरुआत को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो मैं संग संग आप लोग भी 11 वचनों का आइए पाठ कर लीजिए। साईं सब पर कृपा करते हैं, हम पर भी करेंगे, ठीक है? चलिए आइए। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास,
करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा आप पर कृपा करें, रहम नज़र करें, सबकी झोली खुशियों से भरें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हो। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करके आज के दिन की शुरुआत करते हैं और इस प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। फिर मिलेंगे आज बाबा की कृपा से। आज साईं संकल्प शुरू हो रहे हैं 12:30 बजे से, 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक किए जाएंगे, इस इच्छा के साथ कि हम कुछ पल बाबा के साथ, बस बाकी कोई मांग साईं सब पूरी कर देंगे। आप बस बाबा के करीब पहुंचना शुरू कीजिए, जो अधूरा है सब पूरा हो जाएगा। ठीक है, याद से 12:30 बजे, मुझे आने में देरी हो जाए आप लोग टाइम से पहुंचिएगा। ठीक है, जय साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम।